नमस्कार, मैं आरडी भारती और आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान। राजस्थान का सियासी सर्कस और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी का ये कहना कि राजभवन को जनता घेर लेगी, ये कुछ हजम नहीं होता। मैं आपको बताऊं, जनता कहाँ है इस बीच में? जनता को आपने किसी लायक छोड़ा? आप कांग्रेस और बीजेपी का जो ये सियासी सर्कस है, आप दोनों मसेरे भाई हैं और बारी बारी से राज करते हैं। यहां जरूरत है तीसरा मोर्चा का, और वह भी बहुजन समाज के मोर्चा का, जो देश के डिप्रेस क्लास की तरफ ध्यान दे, आम जनता की तरफ ध्यान दे। जनता को आपने किसी लायक नहीं छोड़ा। और यही सियासी सर्कस 2005 में बिहार में हो रहा था, जब कांग्रेस के राज्यपाल बूटा सिंह थे। हमें तो यह समझ में नहीं आ रहा है, 45 साल के बाद भारतीय राजनीति में नेताओं को जनता याद आई है। आज से ठीक 45 साल पहले, जब इमरजेंसी का दौर था और एक नेता हुए थे जयप्रकाश नारायण, आपने सुना होगा जेपी आंदोलन, और हमारी ये दोनों कानों ने जो सुना है कि सन 77 की ललकार दिल्ली में जनता सरकार, उस वक्त जनता नजर में थी, जनता को आह्वान किया गया था। आज आप कह रहे हैं कि जनता राजभवन घेर लेगी, क्यों घेर लेगी भाई? और रही बात ये, जनता को अगर घेरना ही है तो 7 लोक कल्याण मार्ग दिल्ली को क्यों नहीं घेर लेगी, जहां पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बैठे हुए हैं, उनका आवास स्थान है। जनता को अगर घेरना है तो उत्तर प्रदेश के जो लोक भवन है लखनऊ में, उसको क्यों नहीं घेर ले? पटना के एक अन्य मार्ग जहां नीतीश कुमार जी बैठे हुए हैं, उनको क्यों नहीं घेर ले? जहां पर बाढ़ और कोरोना से जनता त्रस्त है, बेचारी बनी हुई है। आप जानते हैं इनके खर्चे और आपके खर्चे का मैं आज आकलन कर देता हूं। जयपुर के महंगे होटलों में एक रूम का किराया 14,000, और एक दिन का मैं बता रहा हूं, जो कि गरीबी में अगर वहां पर रहा जाए तो, केवल रोटी खाया जाए तो, अगर उसमें आप स्नैक्स, विस्की, स्कॉच, बाकी इंटरटेनमेंट की चीजें अगर आप जोड़ देते हैं तो ये काफी पड़ जाता है। और 100 विधायक पिछले 10-12 दिन से वहां रुके हुए हैं, कितना खर्चा आता होगा आप आकलन कर लीजिए। आपके बच्चे बेरोजगार हो, वो नौकरियां ढूंढने जाए, उसको महीने का 12,000 मिलता है। किसी प्राइवेट बैंक में अगर वो नौकरी करे तो 12,000 रुपये के अलावे उनको ये कहा जाता है, आपके बच्चों की बता रहा हूं मैं, कि 12 अकाउंट खोलना है। ये बैंक के जो स्टाफ होते हैं, जो नए नए रखे जाते हैं लड़के, टारगेट दी जाती है। इन नेताओं को टारगेट कौन देगा? क्या इस देश की जनता इनको टारगेट देगी? टारगेट लेंगे इन जनता से? जनता घेर लेगी, क्यों घेर लेगी जनता? जनता तो अब आपको देखकर हंसती है, मुस्कुराती है, क्योंकि आप उन्हें 5 साल के बाद याद करते हो। और जब आपको गरज लगती है, जब आपको वोट चाहिए, तब जनता को आप याद करते हो। बाकी जितने भी आप मौज मस्ती करते हो होटलों में बैठ के, सरकार बनाना, सरकार गिराना, और आपके जो भाई है बीजेपी, पिछले 6 सालों में 11 सरकार गिराई है, पूर्वोत्तर से लेकर, चाहे वो कर्नाटका चले जाइए, मध्य प्रदेश चले जाइए, जहां जहां सरकार गिरी है बगैर बहुमत की, बगैर जनता के मत की, ये सरकार में आ जाते हैं। कांग्रेस, आरजेडी और नीतीश कुमार जी मिलकर जनता के बीच गए थे, लोगों से वोट लिया, और जैसे ही वोट प्राप्त हो गया, नीतीश कुमार जी बीजेपी के साथ आकर सरकार बना लिए। तो जनता क्यों आए भाई? आपको जब जब विपत्ति आती है तो आप जनता को याद करने लग जाते हो। यहां कई प्रश्न है पूरे देश में, जो हमारे सांसद हैं 543, इनका अगर वेतन भत्ते को जोड़ा जाए तो साल भर का खर्चा है 243 करोड़। देश के सभी विधायकों का वेतन भत्ते को अगर जोड़ दिया जाए तो 750 करोड़, और इनका कैंटीन, कैफेटेरिया और बाकी जो इंटरटेनमेंट की वस्तुएं जो खर्च होती है, 30 लाख रुपये डेली। क्या आपके घर में 1,000 रुपये डेली का खर्चा है? एक आम परिवार देखिए इस देश का कितना जद्दोजहद में गुजर रहा है। 50 रुपये किलो टमाटर, 80 रुपये लीटर पेट्रोल, ये है जनता का खर्चा, और पूरा नहीं पड़ रहा है। यानी सस्ता जो बाजार है वहां से जाकर आम जनता कपड़ा खरीदती है,
किराया पूरा नहीं हो पाता। जनता जब सड़क पर थी, प्रवासी मजदूर, चाहे वो राजस्थान के मजदूर हों, उत्तर प्रदेश के मजदूर हों या बिहार के मजदूर हों, क्या ये नेता वहाँ पर गाड़ी लगाए थे? आज जनता क्यों आएगी? उनके पैर में छाले पड़ गए थे। कहीं औरंगाबाद तो कभी औरैया की घटना हुई, तब नेता कहाँ थे? आज जनता क्यों आएगी राजभवन के लिए घेरने के लिए? प्रश्न है। अशोक गहलोत जी, आप कहते हो कि नालायक और नकारा सचिन पायलट को, तो ऐसे नालायक को आपने प्रदेश अध्यक्ष क्यों बनाया था? सबसे बड़ा प्रश्न। और प्रश्न यह है कि डिप्टी सीएम आपने साल डेढ़ साल तक रखा, तो मुंह से बात क्यों नहीं की? उसकी बात सुनी क्यों नहीं उनकी? और रही बात ये, सचिन पायलट जी कांग्रेस से बाहर नहीं गए हैं। 19 विधायक ने पेटिशन फाइल की राजस्थान हाईकोर्ट में, और राजस्थान हाईकोर्ट कहती है कि ये तो सर्वोच्च न्यायालय का मामला है, और सर्वोच्च न्यायालय ये कहता है ये तो हाईकोर्ट में ही काम हो जाना चाहिए था। यानी पेंडुलम की तरह घुमा रहे हैं, और मुख्यमंत्री साहब चाहते हैं कि राज्यपाल महोदय परमिशन दें कि ये सारे 19 विधायक अयोग्य है, स्पीकर तो अयोग कर नहीं पाए, तो हम अपना सत्र बुला लें, बहुमत साबित करें। और राज्यपाल कहते हैं कि हम तो संविधान के हिसाब से चलते हैं। जब मध्य प्रदेश में दलितों के खिलाफ घटना होती है, अत्याचार होता है, तो आपके राहुल गांधी जी कहते हैं कि हम इसी सोच के खिलाफ लड़ रहे हैं। तो 70 साल क्यों लग गए ऐसी सोच के खिलाफ लड़ते लड़ते? और जब इस सोच के खिलाफ आप थे ही, तो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के लिखित संविधान को बार बार आपको अमेंडमेंट करने की जरूरत क्यों पड़ गई? आपने 70 साल में ही ठीक कर देते। जब आपसे भी भयंकर सोच सामने खड़ी हो गई, यानी नहले पर दहला, तब आपको सोच नजर आने लग गई किसी सोच के खिलाफ है। आप उत्तर प्रदेश में जाकर देख लीजिए, आए दिन रोज घटनाएं होती है। अब तो सीधे हत्या होती है, बलात्कार तो बात ही खत्म हो गई, घर में घुस घुस के मारे जाते हैं, जगह जगह मारे जाते हैं। वहां जनता क्यों नहीं बुला रहे हैं लखनऊ में, घेर ले? और लोक कल्याण मार्ग दिल्ली में, जिसको जो पहले रेस कोर्स हुआ करता था, प्रधानमंत्री जी, वहां जनता क्यों नहीं आएगी पूरे देश की? जहां जहां आपकी सरकार खतरे में आ जाए, तो जनता का आह्वान कर देना। आप अपने खर्चे पर अंकुश नहीं लगा सकते हैं, आपसे सवाल होते हैं, आप बिफर जाते हैं। क्या 70 सालों में बहुजन समाज, डिप्रेस क्लास, अथवा जो भी इस देश के जो है ऐसे लोग, जो वंचित लोग हैं, जिनको मौका नहीं दिया गया, कभी उन पर ध्यान दिया गया कांग्रेस के शासन में? बीजेपी तो है ही बिल्कुल विरोधी, ये तो डिप्रेस क्लास को देखना ही पसंद नहीं करती। इनको बाढ़ कोरोना पेशेंट से कोई मतलब नहीं, इनको तो 5 अगस्त को भव्य राम मंदिर का उद्घाटन करना है और अयोध्या नगरी को सजाना है। इनको बाहर में जाए कोसी, पूर्णिया, कटिहार, ये जो बिहार की जनता है वह तो रॉ मटेरियल्स है, कभी भी वोट ले लेंगे, कभी भी 4 भाषण दे देंगे, वहां की क्षेत्रीय भाषा में जाके नमस्कार करेंगे और वो लोग खुश हो जाएंगे, इनको वोट दे देंगे। इस देश की जनता, इस देश के लोकतंत्र का अब रॉ मटेरियल बन चुकी है, मत याद कीजिए। बुरा लगता है जब आप जनता की बात करते हैं, क्योंकि जनता को किसी लायक आपने छोड़ा ही नहीं। ये वो जनता है जो अपने रोज रोज की जरूरत के लिए परेशान है, वो अपने घर को संभालते संभालते परेशान है, अपने बच्चों को रोजी रोटी के लिए परेशान है। ये आपको, आपके ऊपर ध्यान नहीं देगी। अगर समय मिलेगा तो आपके ऊपर ढेला जरूर मारेगी, आपको देख के मुस्कुराएगी, क्योंकि आपने बहुत लूटा, बहुत तड़पाया है इस जनता को। अब जनता को याद मत कीजिए। मैं देखता रहता हूँ बहुत सारे युवा जो है अच्छे अच्छे वीडियो बनाते हैं, अच्छा क्रिएटर है, जनता उनको सपोर्ट क्यों नहीं करेगी? मैं देख रहा हूँ यूट्यूब चैनल हो अथवा अन्य जो प्लेटफॉर्म है, जगह जगह एक से बढ़कर एक युवा अच्छे अच्छे क्रिएटर्स हैं, अच्छे अच्छे वीडियो बना रहे हैं, समाज को संदेश दे रहे हैं, समाज उनको क्यों नहीं सपोर्ट करेगा? देश की जनता उन्हें क्यों नहीं सपोर्ट करे? हमारा सारा सपोर्ट उनके साथ रहता है जो समाज के लिए कुछ काम करते हैं। आपने तो कुछ किया ही नहीं, केवल लूटा ही लूटा है। हम आशा करते हैं कि देश की जनता सर्वोपरि है, सब कुछ देख रही है, आपको भी देख रही है,
आप मत जनता को याद कीजिए, जनता अपना फैसला 2022 में सुनाने वाली है। और आगामी अगर राजस्थान में अगर सरकार गिरी तो बहुजन समाज पार्टी के नेतृत्व में बहुत सारे छोटे छोटे दल इकट्ठे हो रहे हैं, तीसरा मोर्चा तैयार होने वाला है। गुर्जर समाज, मीना समाज, बहुजन समाज पार्टी सबके सब धीरे धीरे एक जगह आ रहे हैं, इस चीज को मत भूलिए। और अब तो आप कुर्सी पर बैठने से रहे, क्योंकि दो दो न्यायपालिका यानी दो दो न्यायालय, हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, ऊपर से राज्यपाल और बीजेपी की सरकार, सब के सब आपको नजरें गराए हुए हैं और जनता आपको साथ देने वाली नहीं। इसलिए अब जनता के बीच बाकी लोग जाएंगे, आपने तो जो कर लिया वो कर लिया। आप बने रहिए बिहारी सुल्तान चैनल के साथ, हम आपके लिए बिल्कुल सही और जमीनी जानकारी लेकर आते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय भीम, जय भारत।